एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा की शुरुआत भले ही थोड़ी ढीली शुरू हुई हो, लेकिन भाई आगे जो आने वाला है ना वो बवाल होने वाला है, क्योंकि ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स है जिसको केविन फेगी ने अपनी टोपी के नीचे छुपा के रखा हुआ है। मतलब कि उन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन भाई हम सब जानते हैं वो हमें दिखेंगे तो जरूर। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है। नंबर 10 स्पाइडरमैन 4। देखो स्पाइडरमैन 4 आएगी ये तो बच्चा जानता है, क्योंकि ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि राइटिंग स्ट्राइक से पहले इसकी स्क्रिप्टिंग ऊपर काम शुरू हो चुका था। और भाई ये मूवी हमें फिर से फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से इंट्रोड्यूस करेगी, मतलब कि इस मूवी की स्टेक्स ग्राउंडेड ही होगे जैसा कि हम सब फैंस चाहते थे। और मे बी हमें इस मूवी में डेयर डेविल या फिर किंगपिन भी देखने मिल जाए, कुछ भी हो सकता है यार। नंबर 9 इटर्नल्स 2। देखो भले इसके पहले पार्ट को काफी मिक्स रिएक्शन मिले थे, लेकिन भाई ये मूवी एमसीयू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और पर्सनली मुझे भी काफी अच्छी लगी थी। और इस मूवी की जो एंडिंग है ना उसे सेकंड पार्ट को बड़े अच्छे से सेटअप करती है कि हमें आगे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इटर्नल्स 2 जजमेंट डे की कॉमिक को अडॉप्ट करेगी, जो कि भाई अपने आप में बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। इस इवेंट में हमें इटर्नल्स वर्सेस एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देखने मिले थे, और एक एक्सट्रीमली पावरफुल सेलेस्टियल ने अर्थ के सारे लोगों को जज किया था ये डिसाइड करने के लिए कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा या फिर नहीं। और यही स्टोरी लाइन हमें इटर्नल्स 2 में देखने मिलेगी, बस इस बार अर्थ के लोगों को अरिशम जज करेगा। तो भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एमसीयू के लिए और मे बी सीक्रेट वॉर्स के लिए भी। नंबर 8 शांग-ची 2। अभी तक इसको भी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी पक्का आएगी। भाई शांग-ची की चूड़ियों के बारे में भी तो बताना है, और ऐसा सुनने में भी आ रहा था इस मूवी का नाम शांग-ची द राइज ऑफ टाइम हो सकता है, और इस मूवी का विलन कैंग का वेरिएंट ही होगा अगर कैंग की स्टोरी आगे बढ़ी तो होगी ना कंटिन्यू आगे। तो ये मूवी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है सीक्रेट वॉर के लिए, क्योंकि कैंग डायनेस्टी से पहले शायद ये मूवी हमें ना देखने मिले, लेकिन कैंग डायनेस्टी के बाद जरूर देखने मिल सकती है। और भाई ये मूवी आएगी ये तो पक्का है, कंफर्म्ड है। नंबर 7 थोर 5। देखो हम सब जानते हैं थोर लव एंड थंडर पाप था एमसीयू के लिए, लेकिन उस पाप से कुछ अच्छा भी निकला है जो कि हमें थोर 5 में देखने मिलेगा। मैं हरक्यूलिस की बात कर रहा हूँ, जो कि थोर का भाई बहुत ही बड़ा विलन है, और वो थोर 5 में थोर से अपने बाप का बदला लेगा। भले ही यार बाप सोन पर ही बन के घूम रहा हो, लेकिन भाई है तो बाप ही। और थोर 5 हमें गोड्स के बारे में और भी ज्यादा बताएगी, बस भाई इस मूवी को डार्क रखना, अब इस मूवी को कॉमेडी बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाई मैं फिर से एक और सदमा नहीं झेल पाऊंगा। नंबर 6 स्कारलेट विच। देखो यार इस औरत ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में जो कांड किए है ना उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको कोई मूवी ना मिले। भाई इसके कैरेक्टर आर के बारे में तो कुछ करना है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बाद वो गई कहाँ, क्योंकि भाई मरी तो नहीं है ये तो पक्का है। और अगर वो स्कारलेट विच को ऐसे सीक्रेट वॉर में पटक देंगे ना तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, तो बस समझ लो इसकी मूवी आने वाली है, क्योंकि भाई स्कारलेट विच इज लव। नंबर 5 गोस्ट राइडर। देखो ऐसा सुनने में आ रहा था कि मार्वल वाले गोस्ट राइडर पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्वल अपनी सुपरनेचुरल साइड पर भी अपना हाथ जमा रहा है, और इसमें गोस्ट राइडर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मे बी हम इसका कोई आगे सोलो प्रोजेक्ट देखने मिल जाए, मुझे मूवी तो नहीं लग रही है मे बी स्पेशल हो जैसे कि वेयरवुल्फ बाय नाइट था, क्योंकि गोस्ट राइडर के बिना मार्वल की सुपरनेचुरल साइड ऐसी है जैसे कि बिना आलू के आलू का पराठा। नंबर 4 मिडनाइट सन्स। सो हमें इस मल्टीवर्स सागा में मिडनाइट सन्स भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है मार्वल अपनी सुपरनेचुरल साइड्स में भी हाथ जमा रहा है, और भाई मून नाइट आ चुका है, वेयरवुल्फ आ चुका है, गोस्ट राइडर भी आ ही जाएगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच तो है ही, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मिडनाइट सन्स में कोई मूवी ना बनाए। तो भाई फिक्र मत करो हमें ये भी बहुत जल्द देखने मिलेगी। नंबर 3 नोवा। भाई इस बेचारे की किस्मत ही खराब है, ये हमें पहले ही देखने को मिलने वाला था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में, लेकिन वहाँ पर इसका पत्ता कट हो गया। बाद में हमें ये इन्फिनिटी वॉर में देखने वाला था जो कि एवेंजर्स को वॉर्न करता थैनोस के बारे में, लेकिन वहाँ पर भी इसका पत्ता कट हो गया और हल्क को डाल दिया। यार कितनी पनौती लगी हुई है इसको, लेकिन यारो फिक्र मत करो अब ये पक्का आ रहा है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है जो मून नाइट का राइटर है वो नोवा के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और मे बी ये हमें फेज 6 में देखने मिल जाए। फाइनली यार कुछ होगा इसका भी, क्योंकि ये कैरेक्टर मार्वल की कॉस्मिक साइड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 वर्ल्ड वॉर हल्क। देखो एमसीयू वाले बोला तो है वो हल्क पे कोई सोलो मूवी नहीं बनाएंगे, लेकिन भाई हम सब जानते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर हल्क को सेट कर रहे हैं, जो कि हमें शी हल्क में ही देखने मिल गया था। भाई वो स्टोरी लाइन सीधा वर्ल्ड वॉर हल्क को ही जा रही है, और हम सब जानते हैं कि मार्वल हमारा कार्टून में कितना बढ़िया है, क्या पता हमारा वो काट ही रहा हो, लेकिन भाई ये मूवी तो हमें पक्का ही देखने मिलेगी, क्योंकि यार ये वाले हल्क को कोई पसंद नहीं करता है, हमें अपना वही पुराना ब्रूटल हल्क चाहिए, और वो भाई वर्ल्ड वॉर हल्क में ही देखने मिल सकता है। तो भाई फिक्र मत करो ये भी मूवी आएगी और पक्का आएगी। नंबर 1 डॉक्टर स्ट्रेंज 3। भाई ये मूवी एमसीयू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मूवी में इंकर्जेंस के बारे में डीप में जाकर बताया जाएगा कि भाई आखिर इंकर्जेंस होता क्या है, क्योंकि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें पता चल चुका है कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण इंकर्जेंस शुरू हो चुका है, और वो कैसे रोकेंगे हमें इस मूवी में पता चलेगा। और ये मूवी सीक्रेट वॉर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, और ऊपर से इस बार साथ में क्लिया भी है, तो भाई बेचारा अकेला नहीं है, शुक्र यार किसी का तो साथ मिला बेचारे को। सो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी हमें पक्का देखने मिलेगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस ये थी कुछ मूवीज जो कि हमें आगे फ्यूचर में देखने मिल सकती है। आप इन सब में किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन का जरूर बताना, और अगर आप मुझे वीडियो कहीं से भी चल गई तो वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।